अहमदाबाद से पधारे हुए माननीय चित्रकार, वास्तु चित्रकार और वास्तुकार श्रीमान रावल साहब की प्रदर्शनी का यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। मयंक रावल एक जाना पहचाना नाम है, जिनका अपना एक लाइफ एंजॉय का स्टूडियो है और आज उनकी चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए देश के जाने माने प्रतिष्ठित चित्रकार माननीय श्री सुरेश शर्मा साहब। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आज के विशिष्ट अतिथि जाने माने देश के संगीतकार, जिन्होंने 3,500 से अधिक कैसेट्स में म्यूज़िक दिया है और म्यूज़िक कंपोजिशन दिया है, फिल्मों में काम किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए मयंक जी और उनकी श्रीमती जी श्रीमती सेजल जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मेहमान को इस चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए आप, हम चाहते हैं कि माँ शारदे जो हमारे विवेक में उजास अंकित करती है, जो हमारी कला की संस्कृति की देवी हैं, उनका नाम लेते हुए और उनके पावन स्मरण में हम आज ये दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। तो इस सुंदर कार्य के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय सुरेश शर्मा साहब से निवेदन करती हूँ कि दीपदान करके और आज के इस कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करें। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है दीपक सा जगमग हो जीवन, और कभी नहीं जगमग हो जीवन, और हमारी कामना है कि स्वस्थ सुखी पग पग हो जीवन। इसी शुभकामना के साथ हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच आज की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए हमें मांगल जो सानिध्य मिला है आदरणीय सुरेश शर्मा साहब और देश के जाने माने संगीतकार महोदय श्रीमान मधुसूदन जी वैष्णव और श्रीमान राजेंद्र जी सरुपरिया, और उन्हीं के साथ सेजल जी से निवेदन करती हूँ वो भी आए और अपने चित्रकार और वास्तुकार जीवन साथी श्री मयंक रावल साहब की प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर दीपदान करें। तो हर समय वह माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुएं हों हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुँचे हम प्रार्थनाओं के करीब। तो ये प्रार्थना के क्षण हैं, आरती और उपासना के क्षण हैं। इन्हीं क्षणों में, इन्हीं क्षणों को भव्यता प्रदान करने के लिए हम इस चित्र प्रदर्शनी की उद्घाटन की जो रस्म है उसको अदा करने के लिए आदरणीय सुरेश शर्मा साहब से निवेदन। हमारी एक और विशिष्ट अतिथि चित्रकार हंसा रविंद्र जी पधार चुकी हैं। हम स्वागत करेंगे आदरणीय सुरेश शर्मा साहब का, जो आज की इस प्रदर्शनी के उद्घाटन करता हैं और समय निकाल करके आज हमारे बीच पधारे हैं। श्री मयंक रावल जी की ये चित्र प्रदर्शनी जो पहली बार उदयपुर शहर में इस बगौर की हवेली में लगी है, उसका उद्घाटन आपने किया है, आपका बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत। और इन्हीं क्षणों में हम स्वागत करेंगे देश के जाने माने संगीतकार श्री मधुसूदन जी वैष्णव का, शॉल हमारे नेह और अनुराग का दुशाला ओढ़ाकर हम उनका स्वागत करेंगे। श्री मयंक रावल और श्रीमती सेजल रावल आपका अभिवादन कर रही हैं बुके भेंट करके, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच पधारी हुई हंसा रविंद्र जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, पुष्प गुच्छ और हमारे नेह और अनुराग का शॉल ओढ़ाकर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो अब चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए सभी पहली बार इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन के बाद में सभी
अवलोकन करेंगे और इस चित्र प्रदर्शनी की कितनी सार्थकता है वो भी अपने वाणी में आप बताएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे अतिथि महोदय उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया चित्र प्रदर्शनी को अवलोकित करें और इसके उत्साहवर्धन करें। जी आप थोड़ा बताते चलिएगा, थोड़ा बताते। ये बेसिकली साउथ इंडिया की एक स्टाइल है तांजोर पेंटिंग। वो तांजोर पेंटिंग जो है उससे इंस्पायर होके वुड के ऊपर वो पेंटिंग्स बनाए हैं जिसमें प्योर गोल्ड का भी इस्तेमाल होता है। और बेसिकली नई जो पीढ़ी है वो मॉडर्निज्म में जा रही है तो अपनी पुरानी जो आर्ट स्टाइल है उसको भूल रही है, तो उनको कुछ नया देंगे तो उनको अपनी आर्ट स्टाइल में इंटरेस्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लोर किया है कि नए मटेरियल के साथ में पुरानी आर्ट स्टाइल जो है उसको कंबाइन करके म्यूरल्स बनाए हैं मैंने। बेसिकली आई बिलीव कि आर्ट इज़ अ विजुअल एक्सपीरियंस। आँखें जो देखती है उसी को महसूस करती है, तो विजुअली प्लेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कलर का इस्तेमाल इस तरीके से किया है, कंपोजिशन ऐसे किए हैं कि दिखने में वो खूबसूरत लगे। और इसलिए इस जो पेंटिंग्स है ये स्टाइल जो है उसको मैंने ब्यूटी नाम दिया है। पावर गॉडेसेस हमारे यहाँ शक्ति माना जाता है। लोटस यानी फ्लावर तो उसको भी पावर बोलते हैं, यानी पावर के साथ में जुड़ी हुई जो देवियाँ है उसको रिप्रेजेंट इसमें किया है। सर आपका कोई रिव्यू दीजिए। मयंक राहुल साहब की प्रदर्शनी अति सुंदर है। जो कोलाज बनाए हैं वो नया प्रयोग है। ये प्रयोग विशेष रूप से कमी देखने को मिलता है वो आप में है। आपका वर्क बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला है, उत्तेजित करने वाला है और भावनाओं को उत्तेजित करने वाला इस प्रदर्शनी अति सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली होप्स आर लाइक क्लाउड्स। हम इच्छाएं करते हैं सब पूरी नहीं होती हैं, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। फेस जो है वो डीप होती है। ये थ्रेड से बना हुआ आर्ट है, इसमें कंपोजिशन और कलर का काफी इंपॉर्टेंस रहता है। कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो है जो लोग भूल चुके हैं उनसे भी आर्ट क्रिएट हो सकती है, कंपोजिशंस हो सकते हैं, और सिंपल कुछ कलर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे है। जो दिए है आजकल दिए हम अलग तरीके से जलाते हैं, नेचुरल वाले दिए मिट्टी के वो लोग भूल चुके हैं, तो उसको चाक पे दिए एक ही साइज़ में बना के फिर इस तरीके से कंपोज किया है कि उससे हमें मन की शांति मिले। इसका नाम रखा है बटन मसाला। वो मेरा खुद का क्रिएशन है क्योंकि अलग अलग साइज़ के बटन्स जो है खुद बना के फिर उसको कंपोज किया है। कुछ लोगों का ये क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन आज कुछ लोग आए थे उन्होंने बोला कि ये हमें श्रीनाथ जी दिख रहे हैं इसमें, और किसी को अलग अलग दिख सकता है इसमें। तो ये जो आर्ट है मेरा खुद का क्रिएशन है, मेरी खुद की आर्ट है, मैंने डेवलप की है। इसको मैं एनर्जी पेंटिंग्स इसलिए बोलता हूँ कि उसमें लेयरिंग है और इनफाइनाइट डेप्थ उसमें दिखती है, अनंत तक हमें ऐसा लगता है कि जाते हैं, और जब देखते हैं तो उसमें एक वाइब्रेंसी आ जाती है। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं आर्किटेक्चर के उनका ये मानना है कि जब ये पेंटिंग हमारे घर में आए तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई है। तो उन्हीं ने सजेस्ट किया कि आप इस एग्जीबिशन का नाम ब्लेसिंग्स रखिए, क्योंकि जिनके यहाँ भी ये पेंटिंग्स जाएंगे वो ब्लेस्ड हो जाएंगे। इसलिए इस एग्जीबिशन का नाम मैंने ब्लेसिंग्स रखा हुआ है।
वास्तु का जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा? वास्तु में मेरा बहुत अच्छा रिसर्च है। बेसिकली 12 जाने माने वास्तु कंसल्टेंट मेरे क्लाइंट हैं, कुछ धर्मगुरु मेरे क्लाइंट हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी मेरे क्लाइंट हैं। मेरे लिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तु इज़ लाइक सर्फ एक्सेल फॉर मी, कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन होता है। मेरा एक्सपर्टीज़ ये है कि जो नेचर है उसके साथ में जुड़ के मैंने काम किया हुआ है, यानी डिस्ट्रक्शन में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का था जिसका स्पर्म काउंट 0 था, मेडिकल साइंस ने बोल दिया था कि बच्चे नहीं होंगे। मैंने कुछ चैंटिंग मंत्र वगैरह दिए, कुछ एक्टिविटीज़ उसको दी, उसके बाद में रिपोर्ट से उसका जो स्पर्म काउंट है इम्प्रूव हुआ, अभी उसके 2 बच्चे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे शास्त्रों में है, जैसे कि प्लांट्स में एनर्जी होती है लेकिन हम उसको फील नहीं करते, आयुर्वेद का पूरा साइंस उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, म्यूज़िक के ऊपर रिसर्च किया है कि कौन सा राग जो है उसके कौन से स्वर है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। हमारी जो थियरीज़ है उसको एक्सप्लोर करके वास्तु के साथ में मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसी से बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं। नहीं, तुड़वाने का तो वास्तु में कहीं लिखा ही नहीं है, और वराहमिहिर जो वास्तु के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं उन्होंने लिखा है कि तोड़ने से एनर्जी कम होती है, नुकसान होता है। मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो हमारे शास्त्रों में मना किया है तो फिर क्यों करना चाहिए। और चाइनीज़ वास्तु का मेरा ये मानना है कि चले तो चांद तक, वैसा ही है, उसमें सिर्फ साइकोलॉजी है। रेड कलर की बात करें तो लगाते हैं लेकिन शुरू में एंग्जाइटी आती है, थोड़ा एक्साइटमेंट आता है और फिर एग्रेशन भी आता है, गुस्सा आता है। तो ज़्यादा लाल कलर अपने आसपास हो तो प्रॉब्लम करता है। यानी मैं प्योरली इंडियन वास्तु और इंडियन साइंसेस के ऊपर काम करता हूँ और मैं क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आर्किटेक्ट और वास्तु वो दोनों मिला के किस तरीके से बेस्ट प्रोजेक्ट किए जाए, और इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हिज लाइक अ पैकेज। दोनों साथ में। वैसे माई मदर इज़ एन आर्टिस्ट, सो बचपन से मेरा सबसे पहला हेमलता रावल, सोमालाल सहाकर के एक गुजरात के जाने माने कला गुरु है, वो मेरे मदर के गुरु थे। तो 7 साल की उम्र में मैंने पहला एग्जीबिशन किया था, लेकिन वो छोटा सा था। एक्चुअल एग्जीबिशन मैंने 14 साल की उम्र में किया पेंटिंग का, और उसी साल वास्तु के साथ में मेरा परिचय हुआ। यानी 14 साल की उम्र मेरे लिए बहुत अच्छी रही क्योंकि मैंने कुछ नया ही एक्सप्लोर किया। आर्किटेक्ट बनने के बाद वास्तु की प्रैक्टिस मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि जब वास्तु वाला आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में जाता है तो आर्किटेक्ट को क्या तकलीफ़ होती है, और इसीलिए जब मैं आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस करता हूँ तो प्योर आर्किटेक्चर भी करता हूँ, प्योर वास्तु भी करता हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट की नीड होती है। बेसिकली मैंने जो सीखा है मैं ये चाहता हूँ कि कोई लोग आके सीखे, क्योंकि 30 साल से मैं रिसर्च करता हूँ, तो अगर मुझे कोई स्टूडेंट मिले मैं सामने से पैसे दे के सिखाऊंगा, वरना वो जैसे हमारी आर्ट वगैरह चली गई मेरे साथ में सब कुछ चला जाएगा। सो अगर किसी को सीखना है प्लीज़ डू कम। 3 दिन के लिए। उदयपुर तो बहुत जानी मानी जगह है और ऐसा कहते हैं कि मेहमान नवाजी पूरे विश्व में यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे अपना बना लीजिए, आइए और इस एग्जीबिशन को इतना सक्सेसफुल बनाइए, लोगों को बताइए कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों को लगे कि नहीं ऐसा आर्ट क्रिएट करना चाहिए। थैंक यू। पर हमारे बीच देश के जाने माने संगीतकार, जैसा कि मैंने कहा कि 3,500 से ज़्यादा कैसेट्स वगैरह में CDs में आपने संगीत निर्देशन दिया है, और लायंस क्लब के आप कई बार चेयरमैन रहे हैं और यहाँ पे लायंस क्लब को बखूबी संभाल रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगी कि प्रदर्शनी आपने देखी है तो कैसा लगा आपको? बहुत ही है, अच्छा है। मयंक जी को इतनी शुभकामनाएं, और एक अपना टेंपल है यहाँ 650 साल है, पुराना है। अच्छा। तो उसके वास्तु के लिए मैं आपको आमंत्रित करूँगा। पड़ोस में ही है, आपके पास में ही है, बिल्कुल आप आइए मेरे यहाँ पे, बिल्कुल डिनर है, साथ में करेंगे हम लोग। और हमारे बीच हैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट, कवित्री, कैलीग्राफी की बहुत बड़ी पारंगत आर्टिस्ट हैं,
श्रीमती हंसा रविंद्र, और इन्हें अपने परिवार से ही बहुत ही श्रेष्ठ कला मिली है। और आपके पति श्री रविंद्र जी उदयपुर शहर से पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए चित्रकार थे, और फिल्मों में भी उन्होंने बहुत काम किया। और उसी के साथ इनका सुपुत्र भी आर्किटेक्ट है, और मैं सोचती हूँ कि वो ज़रूर आपके पास संपर्क करेंगे। और उनकी जो होने वाली पत्नी है वो भी आर्किटेक्ट हैं और अभी PhD के लिए जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हंसा जी आज इस अवसर पर हैं, उन्हें कैसी प्रदर्शनी लगी? उसने सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप उदयपुर शहर में, हमारे शहर में इतनी कला को लेकर आए हैं। यहाँ पहले से ही बहुत कला है, और हम चाहते हैं कि सब दूर की कला यहाँ पर अभिव्यक्त हो और हम सब देखें। और ये सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी के साथ कर रहे हैं या मिट्टी ये धागे के साथ में, एक आर्टिस्ट अपने मन की अभिव्यक्ति इन सब माध्यमों से करता है। तो ये सारा कुछ देखकर, ये संस्कृति देखकर मन बहुत खुश होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस जो नई आर्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, उनको देखें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सभी को, अपने मित्र और जितने भी परिचित हैं, उन्हें कहूँगी कि आपके एग्जीबिशन ज़रूर आकर देखें। मैं कल्चरल आर्ट सेंटर विरसून का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया है। यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि उदयपुर मेरा हो गया है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो आज इस अवसर पर श्री मयंक रावल साहब को बहुत बहुत स्वागत के साथ बधाइयां देते हुए हम यही कहेंगे कि शाम जिंदा है तेरी, शाहकार अभी जिंदा है, ए वतन तेरा फनकार अभी जिंदा है। और एक तारीख सुखनबर ये लिखा करते हैं, कौम जिंदा है वही जिसका कलाकार अभी जिंदा है। तो आपकी कला जिंदा रहे, आपकी ये जो बारीक कारीगरी है वो जिंदा रहे, आबाद रहें, और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ आपके देश के कोने कोने में लगें और आपका नाम, आपकी यश कीर्ति पूरे जग में फैले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।